लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
हनुमान, हनुमान, हनुमान कहाँ गए थे तुम? तुम तो जानते हो, जब तुम यहाँ नहीं होते तो मैं चिंतित हो जाता हूँ। कहाँ गए थे हनुमान? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ गए थे तुम? सुग्रीव, मैं बाली के पास गया था। बाली के पास? हनुमान, तुम बाली के पास गए थे? ये जानते हुए भी कि बाली मेरे प्राणों का प्यासा है, तुम बार बार बाली से मिलने जाते हो, क्यों हनुमान, क्यों? सुग्रीव, मैं बाली के कारागार में गया था। कारागार में? हनुमान, फिर तो तुम्हारी भेंट अवश्य मेरी रूमासी हुई होगी। हाँ सुग्रीव, हुई थी। हनुमान, कैसी है मेरी रूमा? हनुमान, ये होनी भी क्या क्या खेल खिलाती है। मेरे दुर्भाग्य के कारण मेरी रूमा को कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। मैं ऋष्यमुख पर्वत की कंदरा में भटक रहा हूं और मेरी रूमा बंदी बनकर बाली के कारागार में। हनुमान, तुम तो असीम शक्तियों के स्वामी हो, तुम तो मेरी रूमा को छुड़ा सकते थे। हनुमान, क्यों छुड़ा कर नहीं लाए मेरी रूमा को, क्यों हनुमान? सुग्रीव, हर कार्य समय आने पर ही पूर्ण होता है। समय, समय, समय! हनुमान, मैं जब भी तुम्हें कोई कार्य करने के लिए कहता हूं, तुम सदा मुझे समय की दुहाई देकर चुप करा देते हो। परंतु आज मैं चुप नहीं रहूंगा। हनुमान, मुझे बताओ कि जिस समय की तुम दुहाई देते हो, वो समय मेरे भाग्य में है भी या नहीं? हनुमान, जब जब जो जो होना है, तब तब सो सो होता है। तुम धीरज रखो सुग्रीव, सब ठीक हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज कह के की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज कह के की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज कह के की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज कह के की जय। राम पिताश्री,
प्रिय राम, सुना है अपने पिताश्री की अनुपस्थिति में तुमने अयोध्या के शासक का कर्तव्य सफलतापूर्वक निभाया। ये सब आप गुरुजनों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है तात। ये तो तुम्हारी विनम्रता है राम। महाराज दशरथ अब युवराज राम को अयोध्या का राजा राम कब बना रहे हैं? वो समय दूर नहीं है राजन, हम भी वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। युद्ध में विजय का समाचार लेकर हम शीघ्र से शीघ्र अपने राज्य पहुंचना चाहते हैं। कुछ दिन यहीं रुक जाइए तात, हमें अतिथि का अवसर तो दीजिए। नहीं कौशल्या, क्या कही? तुम्हारे पुत्र भरत को देखने के लिए तुम्हारी माताश्री बहुत लालायित हो रही हैं। उसे हमारे साथ क्यों नहीं भेज देती? यदि पिताश्री और राम भैया आज्ञा दे तो। अवश्य जाओ बेटा भरत, ननिहाल वालों के प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। कितना अच्छा होता यदि हम चारों भाई एक साथ जाते। नहीं बेटा, राम का यहां रहना अति आवश्यक है। यदि तुम चाहो तो अपने साथ शत्रुघ्न और लक्ष्मण को लेके जा सकते हो। नहीं तात, मैं राम भैया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो शत्रुघ्न तुम भरत के साथ चले जाओ। तनिक देखो, हमारा कहके प्रदेश भी अयोध्या से कम नहीं है। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। भाग्य मेरे जो इस बुढ़ापे में इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। मैं तो चलते चलते मरी जा रही हूं, न जाने कब तक पहुंचूंगी। हे भगवान, पता नहीं ये मुई अयोध्या और कितनी दूर है, और वो मुआ रथवान मुझे बीच रास्ते में अकेले छोड़ के चला गया। कितना कहा उसे मुझे अयोध्या तक छोड़ जा, लेकिन मेरी एक सुने तब ना। ये मुई प्यास भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। जब तक भरपेट पानी ना पी लूं ये पीछा नहीं छोड़ेगी मेरा। नारायण नारायण, मंत्रा माई हाथ दो हाथ दो। उठो उठो, बहुत भारी हो मंत्रा माई, क्या खाती हो? हैं मंत्रा माई, तनिक संभल कर चला करो। यदि नदी में डूब जाती तो किसी को पता भी ना चलता कि तुम इस संसार में आई भी थी या नहीं। कौन हो तुम मुझे संसार से विदा करने वाले? कहीं तुम्हीं ने तो मुझे पानी में धक्का नहीं दिया था? आई, एक तो मैंने तुम्हारे प्राण बचाए और तुम मेरे ही गले पड़ रही हो। नारायण नारायण। पहले तुम ये बताओ तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नाम? हाँ। मंथरा, यानी मंथर गति से धीरे धीरे चलने वाली। तुम्हारी कमर झुक चुकी है और तुम धीरे धीरे चलती हो, इसलिए तुम्हारा नाम मंथरा है। अर्थात तुम मेरी यहाँ हंसी उड़ाने आए हो? ना 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 ना, नारायण नारायण, मैं आया नहीं हूँ, प्रकट हुआ हूँ माई। आश्चर्य है तुमने मुझे अब तक नहीं पहचाना। आज से पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा नहीं था तो पहचानूंगी कैसे? तुम अपनी प्यास मिटाने के लिए पानी में उतरी थी ना, तो पहले पानी पी लो फिर पहचान भी जाओगी। कहा ना, नहीं पहचानती, नहीं पहचानूंगी। क्यों मेरे गले पड़ रहे हो? ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। नारायण नारायण, घोर त्रेता युग है, किसी का भला करो तो उल्टा बुराई लेनी पड़ती है। अब देखो, फिर ये मत कहना
कि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम कुबड़ी क्यों हो, जन्म से ही तुम्हारे अंग प्रत्यंग टेढ़े मेढ़े क्यों हैं, हैं? अब मैं चला। ठहरो ठहरो। नहीं नहीं नहीं, मैं चला। ठहरो ठहरो, अपना नाम तो बताते जाओ। देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद, ये बताओ मैं कुबड़ी कैसे बनी? याद करो, तुम पिछले जन्म में दुंदुभी नाम की अप्सरा थी और दुंदुभी यानी नगाड़े की ताल पर नाच नाच कर इंद्रदेव को रिझाया करती थी। नाचती थी? तुम सचमुच ही मुझे पागल बनाने के लिए आए हो। मैं जन्म से ही टेढ़े मेढ़े अंगों वाली हूँ। मंथरा मैया, मैं तुम्हारे इस जन्म की नहीं पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ, जब तुम्हारे अंग प्रत्यंग देवांगनाओं के समान सुंदर थे और तुम बिजली की तरह थिरक थिरक कर नाचती थी। तुम्हारी बातें सुनने में कितनी भली लगती है। क्या उस समय तुमने मुझे देखा था? देखा था, तभी तो कह रहा हूँ। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे चंचल स्वभाव ने ही तुम्हें कुबड़ी बना दिया। कैसे? बताओ मैं कुबड़ी कैसे बनी? एक बार तुम स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक आई और एक ऋषि के साथ छेड़छाड़ करने लगी। ऋषि के साथ छेड़छाड़? ये बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। सपने की नहीं, मैं तुम्हारे पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ।